Good evening, everyone. Welcome to my sociology class. Today, my topic is Andre Bethel. I am Sudhanya Sen. He born in 30th September 1934. As we know, he is Indian sociologist and writer. हम लोग उनको Indian sociologist and writer के हिसाब से जानेंगे. He is a professor of Delhi School of Economic in University of Delhi. वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी का प्रोफेसर थे और ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्स वेबर. वो पूरा मैक्स वेबर का जो थिंकिंग है, मेथोडोलॉजी है, उनको वो फॉलो करते थे. उन्होंने सिविल सोसाइटी के बारे में बात किए थे, उन्होंने ट्राइब कास्ट इंटरेस्ट आइडिया ये सब चीजों के बारे में बात किए थे और भी दोनों चीजों के बारे में बात किए थे. एक था उनका सिटीजन के बारे में बात किए थे, दूसरा सोसाइटी के बारे में बात किए थे और सोसाइटी का जो ऑटोनॉमी होता है ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो ऑटोनॉमी है, उनका खुद का अलग सा रूल, अलग सा रेगुलेशंस जो होता है, इसके बारे में भी उन्होंने बात किए थे. उन्होंने मार्क्स कार्ल मार्क्स का इकोनॉमी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था. उन्होंने मेनली जो किया था क्लास स्टेटस एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को उन्होंने सपोर्ट किया थे. वो उनके बारे में बोलते थे. एग्रेरियन सोसाइटी में उन्होंने मेनली दोनों चीजों को उन्होंने उन्होंने बताया दोनों चीजों के बारे में. एक है ओनरशिप, दूसरा होता है कंट्रोल. अगर आप किसी जमीन का ओनर है तो ऑटोमेटिकली उस जमीन के ऊपर आपका कंट्रोल आ ही जाएगा. और ये जो सर्विस कंट्रीब्यूटेड प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है लेबर के बारे में. वो लेबर के बारे में हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले जो चीज आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन. कास्ट सिस्टम में उन्होंने नॉन एंटागोनिस्ट के बारे में बात किए थे. उन्होंने एक्चुअली कास्ट को फुलफिल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोल के बात किए थे. ये एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, नॉट मोर देन दैट. उनका जो आइडिया था वो बेस्ड, उनका जो थिंकिंग था, उनका जो मतलब क्या बोले मेथोडोलॉजी था, आइडिया के ऊपर बेस करके था. वो मतलब एक्चुअल बिहेवियर के ऊपर बेस करके नहीं था, इसीलिए उन लोगों उनका जो आइडिया है वो क्लासिकल टेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं. उनका जो आइडिया है उसको हम क्लासिकल टेक्स्ट में ही देख सकते हैं. तो उनका एंटागोनिस्ट का मीनिंग आप लोगों को पता है, दैट इज आई डिसलाइक समवन. वो मेरा एंटागोनिस्ट है. जैसे कॉलेज में, हॉस्टल में जब रैगिंग होता है तो हमेशा देखेंगे कि दो ग्रुप होता है, एक तो रैगिंग करता है, दूसरा उसका खिलाफ में जाता है. तो इसी तरह से ये उन्होंने जो बोला है, नेचुरल रिलेशन एंड नॉट एंटागोनिस्ट, मतलब ये डिसलाइकिंग के कुछ बात ही नहीं है सोसाइटी में. डिसलाइकिंग में ये जो कास्ट में डिसलाइकिंग का कोई बात ही नहीं है, ये ओनली फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. लेट्स टॉकिंग अबाउट क्लास कास्ट एंड पावर. जैसे मैंने बोल चुकी हूँ, ही इज वर्किंग इन तंजोर डिस्ट्रिक्ट. तंजोर विलेज में जाके उन्होंने काम किए थे. उन्होंने मेनली टेम्पल्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी किए थे और दूसरा चीज भी स्टडी किए थे. जैसे उन्होंने तमिल स्पीकर, उन्होंने देखा था कि एक तमिल स्पीकर ए लिविंग विद द ब्राह्मण्स एंड दे कैन अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. तो एक दूसरे के लैंग्वेज वो लोग समझते थे. और एक चीज आप लोगों को बोल देते हूँ, ये कोड वर्ड में श्रीपुरम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोड वर्ड यूज किया था. तंजोर का कोड वर्ड है श्रीपुरम. ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में आया श्रीपुरम बोल के तब आप लोग गलत मत कीजिएगा. तंजोर को उन्होंने कोड वर्ड में जब उन्होंने फील्ड वर्क किए थे तब उसका नाम दिया था श्रीपुरम. डिविजन ऑफ कास्ट, उन्होंने कास्ट को कैसे डिवाइड किया था वहां पर तंजोर में. उन्होंने देखा था कि तीन मेन डिविजन है, एक तो ब्राह्मण है, एक नॉन ब्राह्मण है, एक आदि द्राविड़ द्राविड़स जो ग्रुप है वो है.
क्लास को उन्होंने डिफैक्टो कैटेगरीज में बोले हैं। डिफैक्टो कैटेगरीज मींस क्लास को उन्होंने भाग तो किए हैं, उन्होंने डिविजन तो किए हैं, लेकिन उनके ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज होते हैं इतना उन्होंने हायरार्कियल इतना उन्होंने नहीं किए थे। डिविजन ऑफ कास्ट मतलब ये तीनों के ऊपर ही उन्होंने डिविजन किए थे। उन्होंने पावर को दोनों साइड से डिविजन किए थे, दोनों दोनों भागों में। एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जैसे पंचायत के ऊपर जो पावर रहता है उसको बोलते हैं फॉर्मल, एंड इनफॉर्मल मीन्स ब्राह्मण के ऊपर जो पावर रहता है सोसाइटी में उसका कोई लीगल कुछ नहीं होता है, लेकिन पावर रहता है उसके ऊपर। इसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर उन्होंने इस तरीके से किया था। और पेसेंट्री में भी उन्होंने भाग किया था, जैसे डिवीजन किए थे, एक है लाउट कंट्रोल, एक है लाउट मैनेजमेंट। ये दोनों चीजों में उन्होंने डिवाइड किए थे। लेबर को उन्होंने तीन तरीके से डिवाइड किए थे, एक था फैमिली लेबर, एक था हायर लेबर, दूसरा तीसरा था टेनेंसी लेबर। फैमिली लेबर मीन्स फैमिली में ही सब कुछ हो रहा है, हायर लेबर मीन्स मैं ओनर हूँ, किसी को हायर किया है, एंड टेनेंसी लेबर मीन्स के मैं बैठी रहती हूँ और मेरे लेबर आके काम करता है। ऐसे कुछ लेबर का उन्होंने डेफिनेशन डिविजन किया है। मैंने हम लोग इसके बारे में विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, ये जस्ट एक लेआउट है उन लोगों के बारे में, ये मैं दे रही हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग यूजीसी नेट में बिल्कुल नए हैं उन लोगों को ताकि एक लेआउट मिल जाए। और डिटेल स्टडी तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम जब PYQs जब करेंगे उसके साथ साथ हम लोगों को डिटेल स्टडी करना ही पड़ेगा। क्लास एंटागोनिस्ट, कास्ट इज कम्प्लीमेंटरी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड को हम लोग दिमाग में बैठा लीजिए, क्लास इज एंटागोनिस्ट एंड कास्ट इज कम्प्लीमेंटरी, ये क्वेश्चन में PYQs में आया था। उनका बुक जो है उसका हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम, कास्ट क्लास पावर, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज, ये दोनों जो बुक है, ये दोनों बुक PYQs में आ चुका है। उनका बहुत सारा बुक है, आप लोग अगर गूगल नेट से अगर देख सकते हैं तो याद अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों जो बुक है, ये बुक जो है वो मतलब PYQs में एक बार आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। So that's all for now. Thank you so much. Please subscribe my channel and till then, good night.